नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। किसी भी खिलाड़ी के लिए उसका फिट होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इंजरी ने कई खिलाड़ियों के करियर को बर्बाद किया है। कई ऐसे विश्व क्रिकेट में खिलाड़ी आए जो आगे चलकर महान बन सकते थे, लेकिन चोट की वजह से करियर पर फुल स्टॉप लग गया। आज हम एक ऐसे ही गेंदबाज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे तेज़ गेंदबाजों में से एक थे। काफ़ी खतरनाक गेंदबाजी किया करते थे, रिकॉर्ड बेहतर था और अपनी टीम के मैच विनर गेंदबाज हुआ करते थे, लेकिन इंजरी ने करियर पर एक ऐसा धक्का दिया कि फिर उठ ही नहीं पाए। नाम है शेन बॉन्ड। आज इस खिलाड़ी का जन्मदिन है तो इसी खास मौके पर हम आपको बताते हैं शेन बॉन्ड के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। शेन बॉन्ड ने 21 साल की उम्र में न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू किया था। क्रिकेट में आने से पहले शेन बॉन्ड पुलिस की नौकरी करते थे। साल 1999 और 2000 में पुलिस की ट्रेनिंग के कारण वो एक साल तक क्रिकेट से दूर रहे और उनका इंटरनेशनल क्रिकेट का डेब्यू मुकाबला टल गया। साल 2001 में शेन बॉन्ड ने न्यूजीलैंड के लिए अपना पहला मैच खेला, लेकिन करियर ज़्यादा नहीं चला। फॉर्म खराब हुआ नहीं, बस इंजरी ने करियर को धोखा दे दिया। महज 54 वनडे मुकाबलों में ही इस गेंदबाज ने 100 विकेट पूरे कर लिए थे। ऐसा करने वाले वो तब सबसे तेज गेंदबाज भी बने थे। बाद में मिचेल स्टार्क ने शेन बॉन्ड के इस रिकॉर्ड को तोड़ा। अपने पहले ही मुकाबले में शेन बॉन्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट हासिल किया था। ऑस्ट्रेलिया के लिए काल माने जाते थे शेन बॉन्ड। कहा जाता है कि रिकी पोंटिंग और क्रिस गेल को जितना बॉन्ड ने परेशान किया, उतना किसी भी गेंदबाज ने नहीं किया। कभी क्रीज पर टिकने का मौका ही नहीं देते थे। रिकी पोंटिंग ने शेन बॉन्ड की 109 गेंदों पर सिर्फ 74 रन ही बना पाए और इस दौरान 7 बार अपना विकेट गंवाया था। अपनी पहली ही सीरीज में शेन बॉन्ड ने 21 विकेट झटक कर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी जीता। ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ उन्होंने वनडे हैट्रिक भी ली थी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दुश्मन शेन बॉन्ड थे। अपने करियर में कुल 17 वनडे मुकाबले कंगारुओं के खिलाफ खेले, जिसमें 44 विकेट उन्होंने झटके। 18 टेस्ट मैचों में शेन बॉन्ड ने महज 22 की औसत से 87 विकेट हासिल किए, जबकि 82 वनडे मुकाबलों में 147 विकेट अपने नाम किए। इतना बढ़िया रिकॉर्ड के बावजूद आज भी फैंस को बस यही मलाल है कि अगर 5 साल और खेल जाते तो शेन बॉन्ड क्रिकेट इतिहास के महान गेंदबाजों में से एक कहलाते। वैसे आज भी शेन बॉन्ड को फैंस उतना ही प्यार देते हैं जितना कि पहले दिया करते थे, और फिलहाल शेन बॉन्ड मुंबई इंडियंस से जुड़े हुए हैं। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।